This is the future. Evolution. Hello everyone and welcome back to Gaming Side. और guys, Farming Simulator 22 के एक और gameplay में आप सबका welcome है. हम आज फिर से वापस आ चुके हैं अपने Let's Play Elma Creek series में. आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे दो सीरीज़ एट द सेम टाइम जो है वो शुरू कर रखी है. एक सीरीज़ हम चला रहे हैं Elma Creek फार्म में, जो कि एक अमेरिकन फार्म है, जबकि दूसरी सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं यूरोपियन मैप में, जो कि है हॉट बेलरून. तो कल आपने देखा था गेम प्ले हॉट बेलरून का, आज बारी है Elma Creek की. अच्छा, यहाँ पे है ना, लास्ट टाइम मैंने एक फार्म बिल्ड किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि क्यों अब फार्मिंग सिमुलेटर 22 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी. पर्टिकुलरली अगर आप वनीला मैप्स की बात करें, जैसे कि Elma Creek हो गया या फिर हॉट बेलरून हो गए, जो कि खुद डिवेलपर्स ने ये मैप बनाए हैं, तो इनमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पार्किंग स्पेस, एनिमल शेड, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो क्यों नहीं मिलेंगी. तो अब ये गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा DIY मनी, यानी कि डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट हो चुकी है. मतलब कि आपने जो भी करना है खुद ही करना है. तो आप जो है वो अभी ये सारी चीज़ें जो है वो यूजुअली खुद ही प्लेस करोगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है. तो बिल्ड मोड डेवलपर्स ने जो है वो हमें दे दिया है, तो उसको यूज़ करते हुए हम अपनी बिल्डिंग्स वगैरह जो है प्लेस कर सकते हैं. तो आज मैंने मज़ीद अपना कुछ जो है वो फार्म उसको जो है वो अपग्रेड किया, कुछ शेड्स प्लेस किए, एक हिल लॉफ्ट रखा, एक जो है वो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी व्हीकल्स वर्कशॉप की, तो मैंने उसको भी जो है वो प्लेस कर दिया ताकि मुझे छोटे मोटे कामों के लिए जो है वो यहाँ पे शॉप पे ना आना पड़े, मैं वहीं से ही अपने फार्म के ऊपर ही अपने ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो अपग्रेड कर दूँ. तो आज के टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो के. मेरा प्लान यही है कि मैंने यहाँ पे मैंने ना गेम प्ले एक रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी करप्ट हो गई, तो मैंने जो है वो फिर अपलोड नहीं कर पाया. तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन हाउसेज रखे हैं जिनके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी प्लांट कर रखे थे. और आपने मेरा अगर ट्यूटोरियल देखा है कि ग्रीन हाउसेज को कैसे मैनेज करना है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउसेज अब काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं, उनको मैनर नहीं चाहिए है. आप सिर्फ दो ग्रीन हाउसेज या जितने भी आपने रखने हैं अपने फार्म के ऊपर प्लेस करें, उनको पानी दें और वो आपको आउटपुट जो है वो देना शुरू कर देंगे. तो मैंने ग्रीन हाउसेज प्लेस कर दिए थे काफ़ी पहले से ही, और फिर बाद में मैंने कुछ क्रॉप प्लांट की और पानी भी मैंने उनको अनलोड कर दिया. तो उसके बाद क्रॉप्स के पकने के लिए मैंने जो टाइम स्किप किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रीन हाउस में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुकी थी. यहाँ पे मैंने कोई गलत बटन दबा दिया. तो ग्रीन हाउस में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो चुकी थी चीज़ों की, क्या मतलब स्ट्रॉबेरीज़ की. अच्छा, यहाँ पे अभी एक नया फीचर ये है फार्मिंग सिमुलेटर 22 में कि बिल्डिंग्स जो है ना वो कुछ ना कुछ मटेरियल स्टोर भी कर लेती हैं. सारी बिल्डिंग्स नहीं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि कुछ प्रोडक्शन का मटेरियल जो है वो स्टोर भी कर सकती है. तो मिसाल के तौर पे अगर उनका लोडिंग एरिया सारा फिल हो चुका है, तो फिर भी वो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो होल्ड कर लेगी. तो अब मुझे नहीं पता है कि इन ग्रीन हाउसेस में कितने स्ट्रॉबेरी बने पड़े हैं और कितने या फिर यही हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग एरियाज़ जो हैं वो दोनों ग्रीन हाउसेस के टोटली फुल हो चुके हैं, और हमें यहाँ पे इनको उठा के जो है वो लोड करना है. गुड थिंग इज़ कि आप ये पैलेट्स जो है वो अपने हाथों से उठा सकते हैं, आपको फ्रंट लोडर्स जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू नो कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है फ्रंट लोडर्स यूज़ करना. मेरे लिए भी है, मैं भी कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, कुछ लोगों को ये फ़न भी लगता हो. बट द थिंग इज़ कि अब आप इनको विदाउट एनी चीटिंग या सुपर स्ट्रेंथ मूड इस्तेमाल करते हुए हाथ से जो है वो उठा सकते हो ये वाले पैलेट्स. तो अब मैं इनको इस फ्लैट बेड ट्रेलर के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा हूँ. ये फ्लैट बेड ट्रेलर बेसिकली मैंने बेलिंग के लिए है ये बेसिकली, तो बेल लोडर्स की कैटेगरी में आपको ये ट्रेलर जो है वो मिल जाएगा. तो अब आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे उठा रहा हूँ पीछे एक नया पैलेट जो है वो स्पान हो रहा है. क्यों? क्योंकि इस ग्रीन हाउसेस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज जो है वो स्टोर भी कर रखे थे. अब कितने स्टोर कर रखे थे मुझे नहीं पता है. अब मैं आपके सामने ये जो है वो इनको उठाऊंगा और इनको सेल करूंगा, और लेट्स सी कि कितने हमें जो है वो मिलते हैं. और मैं काफ़ी स्लोली पिक कर रहा हूं ताकि इनको हम अच्छे तरीके से जो है वो अरेंज कर सके. और ये मतलब क्या है ना,
थोड़ा सा मतलब मूवमेंट इसकी अगर थोड़ी सी स्लो हो जाती ना करेक्टर की तो बेहतर था। अभी यहाँ पे देखो कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो टच हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इनको मैं अभी से ही जो है वो बेल्ट लगा दूँ, क्योंकि फिर बार बार जो ना स्ट्रैप करना और अनस्ट्रैप करना जो है ना बड़ा मतलब कि मसला है। तो मैं इनको फिलहाल ऐसे ही ओके। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी जो है वो प्रोड्यूस हुए पड़े यहाँ पे। मतलब मैं जैसे ही पैलेट उठाता हूँ और पीछे से एक नया पैलेट जो है वो स्पान हो जाता है, तो पता नहीं कितने के स्ट्रॉबेरी। ओ माय गॉड, नहीं अभी नहीं हुआ। लो जी लगता है ख़त्म हो गए, यही थे। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो इसको भी हमने, ओ माय गॉडनेस व्हाट इज़ दिस यार यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ओ माई गॉड, पता नहीं कितने ज़्यादा स्ट्रॉबेरी। ओ नो यार, पता नहीं कितने ज़्यादा स्ट्रॉबेरी यहाँ पे, मतलब मैं उठाए जा रहा हूँ और नीचे से नए नए जो है वो स्पान होते जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे लगता है पड़े हुए। इन्फिनिट वाली जो है वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कि इन्फिनिट स्ट्रॉबेरीज पड़े हुए हैं। भाई मैंने तो बस कर दी है, इससे ज़्यादा अगर मैं लोड करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे गंद बच जाएगा इसके ऊपर, ट्रेलर के ऊपर। मुझे नहीं पता कि पीछे कितने स्ट्रॉबेरी पड़े हुए, मैं उठाए जा रहा हूँ नए स्पान होते जा रहे हैं, उठाए जा रहा हूँ नए स्पान होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कोई ग्लिच है क्या है या इनकी प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा है, आई हैव नो आइडिया। बट द थिंग इज़ कि भाई इतने ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि माई माइंड इज़ लिटरली ब्लॉन। ओके सो यहाँ पे हम इनको जो है वो अभी सेल ही कर देते हैं। प्रोडक्शन चेंज में तो हम इनको अभी तक नहीं लेके जा सकते, बिकॉज ले भी गए तो हमारे पास बाकी का मटेरियल नहीं है और वो इतनी जल्दी हम कर भी नहीं सकते। तो इनको अभी मेरा प्लान है कि हम लोग जो है वो सेल कर दें स्ट्रेट अवे। ओके लेट्स सी द प्राइसिंग। फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऊपर सबसे, अबे ये तो करीब ही है, वाह क्या बात है भाई। लेट्स गो सेल दीज स्ट्रॉबेरीज और लेट्स सी। मुझे लगता है जिस हिसाब से इनका यील्ड आ रहा है कोई पैसे इतने ज़्यादा मिलने की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। ओके आई गेस मे बी $5,000 हमें मिल जाएंगे इस पूरे पैलेट के, हु नोज। बट ओके 3,000 और मे बी 1,000 मोर इनके मिल जाएंगे जो उसके ऊपर पड़े हुए हैं। ओके तो यहाँ पे अनलोडिंग वाला एरिया भी है ना, बड़ा अजीब सा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा यूँ, क्योंकि आपको पता है आपके भाई को डोली वाली चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करनी आती, तो ये ट्रेलर जो है ये डोली वाला ट्रेलर ही है। ओके बट स्टिल इट्स सम हाउ अनलोडिंग और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे आके इतना स्लो क्यों अनलोड हो रहा है। मे बी आई एम नॉट इन दी रेंज, ट्रिगर की रेंज में नहीं हूँ मैं, आई डोंट नो। ओके भाई बहुत ही स्लो यहाँ पे अभी सेल आउट हो रहे हैं कहीं इसकी कैपेसिटी तो नहीं भर गई। राइट तो भाई अराउंड $5,000 जो है वो हमें मिला है इस पूरे पैलेट से, और नॉट टू मेंशन कि अभी हमारे स्ट्रॉबेरीज के पैलेट्स जो है वो पीछे से धड़ाधड़ बन रहे हैं। ओके आई एम स्टक हियर, फाइनली निकल आया यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ, तोबा तोबा।
तो ये डॉली वाले ट्राले भी अजीब ही मुसीबत है, मुझे इनकी आज तक नहीं समझ आई। चलो भाई, स्ट्रॉबेरीज मैं जो है वो बाकी के स्ट्रॉबेरीज जो है वो बाद में बेच दूंगा। अब मैं आप लोगों को जो है वो मज़ीद बोर नहीं करना चाहता एक ही काम करके थ्रू आउट दी गेम प्ले। तो इस ट्रेलर को हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अबे नहीं यार, यहाँ पे फिर कोई टूल निकालना पड़ा तो ये आगे से जो है वो अटकता भी रहेगा, रास्ते में आता भी रहेगा। तो इसको हम किसी वेली सी जगह ढूंढ के ना यहाँ पे तन तन देते हैं इसको कहीं पे भी। आई रियली हेट, आई डोंट नो कौन है वो महान लोग जो कि डॉली वाली चीज़ें जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, और पर्टिकुलरली उनको रिवर्स कर ले। ड्राइव करना मसला नहीं है, रिवर्स करना मसला है, ठीक है? तो रिवर्स नहीं हो पाती। तो लेट्स गो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेलर बाय कर रखा है, मैंने अपना छोटू ट्रेलर जो है वो सेल कर दिया, तो उसको हम लोग जो है वो लेके आते हैं। लेट्स गो। इस ट्रेलर की जो है वो कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो मुझे ये ट्रेलर पसंद आया। क्लास का भी अच्छा था लेकिन इसकी थोड़ी सी मुझे जो है वो कैपेसिटी बेहतर लगी। सो ट्रेलर लाने का मतलब ये है कि मैंने कुछ यहाँ पे वीड अनलोड कर रखी है अपनी साइलोस में, और मैंने कुछ जो है वो चिकन्स भी बाय करने हैं आज के गेम प्ले में। बिकॉज पिछले गेम प्ले में हमने जो है वो चिकन कूप बाय करके रखा हुआ है, तो उसके ऊपर हमने फिर अभी तक जो है वो कोई भी चिकन्स परचेज नहीं किए हैं। तो एवं वो तब से जगह वेली पड़ी हुई है अब तक, तो अगर हमने कुछ चिकन लिए होते और उनको फूड डाली होती तो अच्छे खासे हमें अंडे मिल जाने थे। सो आई एम स्टिल सो फूल के इतना ज़्यादा, मतलब कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार। यहाँ पे ना एक एनिमल्स को बाय करने का बड़ा अजाब है यार, पर्टिकुलरली चिकन्स को भाई। ये मतलब कि इनको रखना चाहिए था ऑप्शन कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर जो है वो लिख सकते हैं इसके अंदर। अब ये जो मैं प्लस का बटन प्रेस कर करके जो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो चलो 50-50 करके जो हम बाय कर लेते हैं चिकन्स। लेट्स सी कि हम लोग जो है वो कितनी चिकन्स यहाँ पे बाय कर पाएंगे। ये हैं जी, अभी यार हमें रूस्टर भी बाय करने, मुर्गे भी बाय करने, ये ना हो कि फिर मुर्गियाँ हमारी अंडे ही ना दें। तो इनको हम लोग जो है वो सिलेक्ट करके थोड़े से मुर्गे भी रख देते हैं, और मुर्गों के बगैर मुर्गियाँ अंडे कैसे देंगी भाई। ओके, कैन वी स्टिल बाय सम। ओके, तो ये बड़ा मतलब क्या ना यार, कुछ है ना चीज़ें इसकी गेम की बुरी भी हैं। मिसाल के तौर पे ये एनिमल्स या कोई भी चीज़ परचेज करने की यूआई, इसके साउंड एक तो मतलब बड़े ऐसे लगते हैं जैसे कोई एरर साउंड आ रहा होता है। सो आप लोगों का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे थोड़े से ये अनोइंग लगते हैं। ओके जी, तो हमारी चिकन्स कूप की कैपेसिटी हो चुकी है फुल, और यहाँ पे जितने हम चिकन्स बाय कर सकते थे वो हमने कर लिए। तो ये हमारे चिकन्स, हमने सिर्फ वाइट परचेज किए थे, लाल नीले पीले सारे आ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। तो जो भी है, सो नाउ वी नीड टू फीड दीज चिकन्स ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे थैंकफुली अभी जो है वो कुछ एनिमल्स को फीड करना, मेरे ख्याल से काफ़ी एनिमल्स को फीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, बिकॉज नाउ वी डोंट नीड वाटर टू फीड आवर एनिमल्स। ठीक है, तो वाटर मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने काउस जब रखी थी प्रोडक्शन चेन्स में से केक्स का ट्यूटोरियल बनाते वक्त, तो उनको भी पानी नहीं चाहिए था। आई वॉज रियली रियली शॉक्ड, आई वॉज लाइक व्हाट, काउस डोंट नीड वाटर एनीमोर। तो फिर जो है वो मैंने चिकन्स रखी, इनको भी पानी नहीं चाहिए था। शीप और पिग्स मैंने अभी तक बाय नहीं किए, तो हो सकता है उनको भी पानी नहीं चाहिए हो। सो अगर नहीं चाहिए तो हम क्यों अभी बहस करते फिर कि क्यों नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, जान छोटी ठीक है। ओ भाई, फार्मिंग सिमुलेटर राइडर में मेरे वो मैंने ब्राह्मण काउज रख ली भाई, वो इतना पानी पीती थी, इतना पानी पीती थी कि मैं पानी अनलोड कर करके जब थक जाता था उनको, सच्ची बात है बोल रहा हूँ। तो भाई वो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी कंज्यूम करती थी, तो इतना पानी जो है वो अनरियलिस्टिक लगता था। आई मीन हाउ कैन काउज ड्रिंक सो मच वाटर। हमारे भी यहाँ पे होती है, उनको पानी पिलाते जाओ तो वो कोई 700 नखरे करती हैं, वो कहती हैं हमने पीना ही नहीं है, ये गंदा है पानी, ठीक है ये दूसरी काउ का जूठा पानी है, मैं नहीं पीती होती। जस्ट किडी, आई हैव नो एक्सपीरियंस विद काउज एंड वाटरिंग द काउज, ठीक है जस्ट किडी। ओके, सो यही थी हमारे पास वीट, और यही था जो भी हार्वेस्ट किए थी मैंने वीट, तो यही थी। दो फील्ड मैंने हार्वेस्ट किए थे तो उनमें सिर्फ 8000 लीटर्स जो वो वीट निकली। अब अगर हमारी चिकन्स की फीड ख़त्म होगी, सो आई हैव टू बाय चिकन फीड फ्रॉम द शॉप, बिकॉज
हमारे पास ये दो फील्ड थे, उनको भी हमने जो है वो बेड़ा करके करके ये फार्म अपना जो है वो DIY फार्म बिल्ड कर लिया। अरे मुझे लगता है कि मैंने ना थोड़ी सी चवली मारी, ये बाई डिफॉल्ट बिल्डिंग्स जो पड़ी थी इनको रिमूव करके ना एक अच्छा सा लेआउट बनाना चाहिए था फार्म का। ओके, देखूंगा अगर हम अभी भी ये कर पाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना यार गाइज एक अच्छा लेआउट होना ज़रूरी है। ये लेआउट मुझे पसंद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है ये वाला लेआउट, और कुछ जो है वो मेरे से मिस्टेक्स भी हुए हैं, बट स्टिल आई एम क्वाइट यू नो सेटिस्फाइड विद दिस लेआउट। ऑलराइट, लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे हमने एक और फील्ड बाय कर रखा है, तो उसको चाहिए अभी लाइम। मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड को हम प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर करके फिर उसके ऊपर कोई क्रॉप जो है वो प्लांट करें, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले चाहिए लाइम, और लाइम हमने यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे मैंने एक जो है वो फिलिंग स्टेशन बाई कर रखा है, ताकि मुझे जो है वो सीड्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो एक एक पैलेट करके ना बाई करनी पड़े, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा फिर जो है वो टाइम ज़ाया होता है। तो इसमें सीड, लाइम, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं, तो आप जो है वो इनको ऐसे ही मतलब बल्क में जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। सो यू डोंट रियली नीड टू परचेज़, मतलब एक तो ये गेम में मतलब कि पता नहीं क्या यूज़र फ्रेंडली तो है ही नहीं है, मतलब एक ये नहीं है कि चलो यार एक बंदे ने एक पैलेट बाय करना तो उसको बल्क का ऑप्शन दे दो ना कि वो 7-8 पैलेट इकट्ठे बाय कर ले, नहीं दिया ऑप्शन। ठीक है, अब पिछली दफ़ा भी किसी बंदे ने मूड बनाया था बल्क में पैलेट्स परचेज़ करने का, तो इन्होंने इनको फिर भी अकल नहीं आई कि ये फ़ीचर जो है वो ऐड कर दे, तो फिर भी इन्होंने जो है वो अभी तक भी वही सिंगल एक एक पैलेट करके बाय करने वाला फ़ीचर जो है वो रखा हुआ है, एंड दैट्स रियली डिस्गस्टिंग। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा दिस मूड इज़ द बेस्ट। तो चलो इस फील्ड को एक बार फिर से चूना लगाते, और चूना लगा के इसको जो है वो यू नो आई कुड यूज़ मल्चर्स, यहाँ पे मैं मल्चिंग कर सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू फर्स्ट, यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो प्लान है वो ये है कि इसको हम लोग जो है वो इसके ऊपर पहले लाइम स्प्रेड करें, फिर हम लोग जो है वो कल्टीवेट करें, देन हम इसके जो है वो स्टोन ऑब्वियसली निकल आएंगे। तो मैंने अभी तक किसी भी फील्ड में स्टोन पिक नहीं किए हैं, तो स्टोन पिकर जो है वो वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी छोटे हैं, तो इमेजिन करो कि बड़े फील्ड में से आप लोग जो है वो स्टोन कैसे पिक कर पाओगे। तो इतना बड़े बड़े फील्ड होंगे, इस मैप में भी हैं, दूसरे मैप्स में भी हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, तो उनमें आप इतने छोटू से स्टोन पिकर से कैसे स्टोन पिक करोगे इतने जाइगेंटिक फील्ड में। मतलब यही है कि आप स्टोन पिकिंग पे लगा के अपने ट्रैक्टर को हेल्पर हायर करके सो जाओगे रात भर, क्योंकि इतना टाइम तो लगने ही वाला है जितनी उनकी वर्किंग रेंज है। तो आई डोंट नो, मे बी वी नीड बिगर स्टोन पिकर्स, कोई मूड शार टाइप चीज़, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टोन्स वैसे डिसेबल कर दो, वी आर ओके विदाउट स्टोन्स, आई डोंट नो। बट एनीवेज अभी तक जो है वो मैंने स्टोन से मेरा दिल नहीं भरा है, तो अभी तक हम काम भी छोटे फील्ड्स में ही कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई बड़े फील्ड नहीं है। आई डोंट कंसिडर दिस फील्ड अ बिग फील्ड बिकॉज आपके सामने ही है, इट्स मीडियम साइज फील्ड तो आप इसको कह सकते हैं, बट इट्स नॉट अ ह्यूज फील्ड। तो अगर आपको ये ह्यूज फील्ड लग रहा है तो आपने अभी ह्यूज फील्ड्स देखे नहीं है। अब यहाँ पे कमर होता तो वो बोलता है कि यार बाय द वे, अगर हम इस कुछ लोग न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमर का मैंने नाम लिया, तो कमर इज़ माई फ्रेंड, और वो मेरे साथ मल्टीप्लेयर खेलता रहा है फार्मिंग सिमुलेटर 19, तो उसको जो है वो बड़े फील्ड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बोलता है अबे यार इसमें तो दिन रात एक लग जाएगी, फिर भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो तो उसकी मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे कवर होता तो वो बोलता कि यार ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, बट मैंने क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पीसी वाली गेम्स में, तो जितने बड़े बड़े फील्ड मैंने देख रखे हैं, ये फील्ड अभी भी उनके मुकाबले में जस्ट एक मीडियम या स्मॉल मीडियम टाइप फील्ड में जाता है, स्मॉल और मीडियम के दरमियान में आता है, या फिर आप इसको मीडियम भी कंसीडर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ ह्यूज फील्ड एट ऑल। बल्कि जो पहले हमारे हमें जो इस मैप में बिल्कुल स्टार्ट में फील्ड्स मिले थे वो दे वर वेरी वेरी टाइनी, और मेरे ख्याल से वो फील्ड के नाम पे फील्ड्स की तोहीन थी। तो उसमें तो मतलब ऐसे लग रहा था मतलब बंदा इधर से जो है वो अंदर जाता था, उधर से काम ख़त्म करके वापस बाहर भी निकल आता था, मतलब इतने छोटे थे।
आई डोंट नो कि वो क्यों इन्होंने मतलब इस तरह के इतने ही छोटे फील्ड बना दिए, थोड़े से बड़े होने चाहिए थे. बट देवर यू नो, मैं पता नहीं कितनी बार ये बात बता चुका हूँ कि उनका ये मानना था कि यार न्यू प्लेयर्स जो हैं उनको छोटे फील्ड जो है वो ज़्यादा लुब्रिकेटिव लगते हैं. तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी गेम आपकी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस खेलने वाले हैं, तो हम जो है वो भाई इन फील्ड्स को वैसे ही सफाई हस्ती से ही मिटा देते हैं, बताओ बाहो बर्बाद कर देते हैं सारे ये फील्ड्स जो है वो हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, हम लोग जो है वो बड़े फील्ड्स में ही काम करें. तो उन फील्ड्स को ख़त्म करके मैंने वहाँ पे शेड वेड सारे रख दिए. भाई कितनी देर लगेगी, आई एम सॉरी यार, ये वाकई फील्ड है ना. काफ़ी ज़्यादा टाइम खैर लग गया मुझे इसमें स्प्रेड करते हुए लाइव. तो आई यू नो स्टिल इट्स अ मीडियम फील्ड, मैं अपनी बात पे अभी भी पक्का हूँ कि ये मीडियम फील्ड ही है, इट्स नॉट अ लार्ज फील्ड. तो maybe not, it's a large field, whatever, let's go and get our cultivator. Woohoo! तो कहाँ से इसके इशारे वगैरह बंद होते हैं? ओके हो गए यार, एक तो इस गेम में बंदा कोई चीज़ टर्न ऑन या टर्न ऑफ ना कर ले. ओ ये कल्टीवेटर लंबा बहुत है, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आई कि क्यों आखिर ये इतना लंबा कल्टीवेटर है. मतलब ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर जोड़ के खड़े कर दो तो फिर इस कल्टीवेटर की लेंथ बनती है. आई मीन व्हाई, चलो जो भी है, मे बी उसके वजह से ये थोड़ा बहुत स्टेबल भी होगा, आई डोंट नो, लेट्स गो एंड ट्राई टू. अच्छा यहाँ पे मैं मल्चर्स यूज़ कर सकता था. वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, यू गाइज कैन यूज़ मल्चिंग, मल्चर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फील्ड को मल्च कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता कि मल्चिंग क्या आप लाए, तो बेसिकली मल्चिंग जो है वो एक रोटोवाइटर टाइप की चीज़ होती है, जो कि क्रॉप की, जो आप क्रॉप काट लेते हो ना, तो जो उनकी नीचे छोटे छोटे स्टेम से बचे होते हैं, तो जैसे यहाँ पे इस कॉर्न के आपको ये डंडियाँ सी नज़र आ रही हैं स्टेम सी, तो मल्चर्स जो हैं वो इनको काट के पीस के जो है वो ज़मीन के अंदर ही मिक्स कर देते हैं, तो दे एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र. ठीक है, और वो पूरा स्टेट जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं करते, मतलब ये नहीं है कि अभी आपका फील्ड जो है वो 0% है तो मल्चर यूज़ करोगे तो आपका फील्ड जो है 50% हो जाएगा, नहीं, वो 5-6% जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. सो दैट्स इट, तो इतना ही जो है वो करते हैं. रियल लाइफ में भी शायद इतना ही होता होगा, आई डोंट नो, मेरा कोई रियल लाइफ में, मैंने कभी रियल लाइफ में ट्रैक्टर नहीं देखा बड़े वाला गौर से, तो मल्चर्स तो बड़ी दूर की बात है. तो एनीवेज दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, और मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना चाहता था, बट देन आई वेंट फॉर द कल्टीवेटर्स, बिकॉज कल्टीवेटर्स आई गेस आर मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर बेटर वे, क्योंकि मैंने रिसेंट कंपेरिजन देख रखे हैं. सो मल्चर्स आर नॉट वर्थ इट, क्योंकि एक तो वो छोटे बहुत हैं, दूसरा उनकी स्पीड भी थोड़ी सी जो है वो एक कंप्रोमाइज्ड है, तो मेरे ख्याल से मल्चर्स जो है वो इतना वर्थ इट नहीं है. और पर्टिकुलरली जिस स्केल के ऊपर, जिस इस फील्ड के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल फील्ड, और इसका मतलब कि इसके ऊपर अगर हम कोई मल्चर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू मल्च दिस फील्ड. तो बाद में भी हमने कल्टीवेटर करना है, सो वाई नॉट नाउ. तो कल्टीवेटर मल्चर बेसिकली उनका मकसद तो यही है कि फर्टिलाइज़र का एक स्टेट ऐड कर देते हैं. सो हम यूज़ करेंगे मल्चर्स, डेफिनेटली करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैंने ट्यूटोरियल बनाया था ग्रेप्स के ऊपर. आई गेस आई फॉरगॉट टू पब्लिश दैट ट्यूटोरियल, काफ़ी दिन पहले से मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया. होपफुली कर दूंगा आज की डेट में ही, या मतलब कि बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आपको एक दिन पहले वो ट्यूटोरियल जो है वो मिल चुका होगा. व्हाटएवर, तो ये कुछ बैकएंड चीज़ें हैं चैनल की जो कि अब बाहर निकल के आ रही हैं. आई जस्ट होप के ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ तक वीडियो देख ना रहे हो. कौन कौन वैसे यहाँ तक वीडियो देख रहा है, हैशटैग ग्रेप लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता तो चले वो कौन से लेजेंड्स हैं, कौन से वो ग्रेट पीपल हैं जो कि अभी तक भी मेरी बक बक जो है वो सुन रहे हैं. नहीं मतलब सच्ची में जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, दे आर द ट्रू फैन ऑफ दिस चैनल, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. तो जो जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो नीचे कमेंट्स में लिखे हैशटैग ग्रेप, तो मुझे बहुत खुशी होगी उन लोगों को देख के. ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता, आपके सभी कमेंट्स पढ़े जाते हैं, बस होता यह है कि कभी कभी आपके कमेंट्स के जो है वो जवाब नहीं दे हो पाते, बिकॉज आई एम वेरी लेजी. एनीवेज बड़ा सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है इस कल्टीवेटर को यूज़ करते हुए. मतलब वो होता है ना वो सेटिस्फाइंग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी होती हैं, अभी वो कोई साबुन काट रहा है, कोई टूथपेस्ट काट रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उस वाली वो वाली जो है वो यहाँ पे फीलिंग आ रही है.
इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग आई गेस। मतलब जिस तरह से ये लैंड का टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है, इट्स इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। आई एम रियली इंजॉइंग। इट्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक टू मी इट्स ASMR थिंग एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट। ओके, ये पता नहीं कोई एरर आया हुआ है मेरे ख्याल से। ये जो फील्ड हमारा यहाँ पे काला काला हुआ पड़ा है, या फिर कहीं कोई ट्रैक्टर का तेल तो नहीं लीक हो गया यहाँ पे, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है, कोई ना कोई तो मसला है यहाँ पे। तो एनीवेज, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो कितना सेटिस्फाइंग है ये। ओ माय गॉड, वो यार चेक करो, कसम से ये वाकई में सेटिस्फाइंग है। मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है ये। ओ एनीवेज, वी आर स्टिल कल्टिवेटिंग दिस फील्ड एंड होपफुली एक दो घंटे तक ये फील्ड हमारा कल्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज एज आई मैंशन अर्लियर, इट्स नॉट अ वेरी यू नो स्मॉल फील्ड, सो थिंग्स टेक टाइम। फार्मिंग सिमुलेटर 22 जो है वो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग गेम, सो नॉट एन आर्केड, इट्स अ सिम गेम, सिमुलेटर, सिम गेम। सिम का मतलब है टाइम की खपत, ठीक है। तो अगर फोर्ज़ा हराइज़न 5 और ग्रैंड टूरिज्मो का आप कंपैरिजन करें, तो फोर्ज़ा हराइज़न 5 में गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा, जबकि ग्रैंड टूरिज्मो में स्पीड बहुत कम है। तो सिम रेसिंग सिमुलेटर सिमुलेशन गेम्स आर यूजुअली वेरी स्लो। राइट, कल्टिवेट हो गया फील्ड फाइनली। अभी टाइम है यहाँ पे कुछ स्टोन पिक करने का। और गाइस, मैं यहाँ पे बैठे बैठे थक चुका हूँ। पता नहीं मैं ये वीडियो को कितना तराशूं खराशूंगा, लेकिन मुझे गेम खेलते हुए एक घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। एनीवेज, लेट्स ट्राई एंड गेट सम स्टोन पिकर्स। कहाँ हैं? ओके, मेरे ख्याल से यही हमने ज़्यादा देखा है, तो इसी को बुलाते हैं यहाँ पे। लीज पे ले रहा हूँ, बड़ा बेशरम हूँ मैं, इतने पैसे होने के बावजूद एक बूटी कौड़ी खर्च नहीं कर रहा। आई एम वेरी कंजूस। लीज पे इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा जो है वो इनको यूज़ करने जा रहे हैं स्टोन पिकर को। दिस इज़, अबे यार पता नहीं मैंने क्या बोला, मेरा गूगल एक्टिव हुआ पड़ा है मोबाइल के ऊपर, अब वो बोल रहा है हाँ भाई क्या मसला है तुम्हें। नहीं भाई, तेरे को कुछ नहीं बोला भाई, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं कमेंट्री की, भाई तू जान छोड़ दे। ओ माई गॉड, उसने देखो कैप्चर क्या किया, यूज़ करने जा रहे हैं। ओ माई गॉड, गूगल असिस्टेंट ढूंढ दो क्या, समझता क्या बता। एनीवेज गाइस, मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे करने हैं स्टोन कलेक्ट। इस फील्ड में शैतानी पत्थर बड़े पड़े हैं, और हमें इन शैतानी पत्थरों को उठाना है, ताकि ये शैतानी पत्थर हमारे पाक साफ सीडर्स को नुकसान ना पहुँचा सके। तो चलो गाइस, इकट्ठे करते हैं इन शैतानी पत्थरों को और उठा के इनको बाहर फेंकते हैं। वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स जो हैं वो अभी बाहर नहीं आए हैं ज़मीन के, तो मेरे ख्याल से अगर मैं इनको ना भी पिक करता तो काम चल जाना था हमारा, लेकिन मुझे ऐसी कोई ख्वारिश आ रही थी ना स्टोन पिक करने की कि मुझसे सब्र नहीं हुआ। और मैंने जो है वो इनको पिक करना लाजम और मलजूम समझा। तो एनीवेज, इस तरह से आप कर सकते हैं स्टोन पिक। ऑब्वियसली मैं गाइस यहाँ पे आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और अब मुझे अब्रप्टली इस गेम प्ले को एंड करना पड़ेगा। हो सकता है हम अगला गेम प्ले यहीं से शुरू करें, और स्टोन्स का क्या है, हम पिक करते ही रहेंगे, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट, ये काम तो होता ही रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अब इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोक दिया करो कंजूसो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक बार फिर से बोल दिया है मैंने ये, बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पता नहीं क्या बकवास आउट्रो दिया है मैंने। एनीवेज, बाय बाय।